फ्रेंड्स अभी आप लोग देखे ना, अचानक ना हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे तो तनीषा की मतलब बेल बजा और हम इनको बोला अभी कौन आया है, तो ये बोले कि पता नहीं, तो बोले बैठो मैम देख रहे हैं। इनको लगा कि शायद गाड़ी साफ करने में जो आता है वही पैसा के लिए आया है, तो देख रहे हैं बच्चे आए हैं, तो बोले तनीषा, तो ये बोले सोई हुई है, तो सोई हुई है अभी तक, तो बोले जाओ उठाओ, तो वही अभी आप जो देखे उठा रही है इसे अभी, मतलब इसका पेपर हो गया है तो सबकी आज़ादी है, सब कोई सो के उठ रहा है 10 बजे, लॉकडाउन जैसा हो गया है सीन। क्या हुआ? कुछ नहीं, जस्ट अभी चाय पिए हैं और बैठे हुए हैं। मेरा शक्ल देखिए कैसा लग रहा है, लग रहा है कि सो ही के उठे हैं अभी। तो कैसा लग रहा है ये? क्या मतलब सुबह सुबह यहाँ पर न्यूज चल रहा है गुटका किंग, आप अभी देख रहे हैं? तो कल से देख रहे हैं। हाँ तो अभी मेरे सामने अभी चल रहा है तो हम अभी से ना देखेंगे। तो न्यूज देखते ही कहाँ हैं, इसलिए बोलते न्यूज देखा कीजिए, देश दुनिया खबर सोचिए। मुकेश अंबानी जी अपने बेटा का शादी में 1000 करोड़ रुपए प्री वेडिंग में खर्च कर चुके हैं, अभी शादी बाकी है। तो भाई इतना इतना पैसा लेके लोग गाड़ी में रख रहा है, कौन सा गाड़ी? नहीं, लैम्बोर्गिनी है, फरारी है, रोल्स रॉयस है, रोलेक्स का घड़ी है, खाली क्या तो गुटका बेच करके। गुटका बेचिए आप भी कहिए गुटका कौन सा गुटका ब्रांड का है मालिक? ये वो है कुछ, क्या नाम है इसका, कुछ है नाम इसका, अच्छा नाम है। 1 अरब की कार है, बाप रे 7 करोड़ कैश। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कन्फेशन कर दिया था इनके सामने कि ऐसी ऐसी गलतियां मुझसे हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ये मुझ पर गुस्सा कर रहे थे और मुझे लाठी उठा के मार रहे थे। आपको दिखता नहीं आदमी सो रहा अच्छे से सोने दे? हमको दिखता है आदमी अच्छे से सो रहा है, तो जब हम चाहते हैं कि वो आदमी ना सोए इसलिए हम आए थे आपको परेशान करने। कर ले परेशान, खुश हो गए ना? बहुत ज्यादा, दिल का बोझ हल्का हुआ। हाँ लेकिन वो बोझ अच्छा था, वो बोझ अच्छा था। ठीक, जाइए ले लीजिए फिर से बोझ। कौन है क्या? जाए जाइए, बुला ले यहीं पे। हाँ अब पैर में चोट लगा है ठीक से, और चाहिए? नहीं वो तो काफी है, बहुत लग गया। और सही तो बताइए। अच्छा सुनिए ना, सुन रहे हैं? हाँ नहीं हम बह रहे हैं, बोलिए क्या बोल रहे हैं। अच्छा उसमें जब आप लोग अंडमान गए थे ना, उस टाइम में हम किस क्लास में थे? 11th में। जब ये अंडमान गए थे 2008 में कि 9 में, अगर 8 में गए थे तो मैं 11th में थी, और 9 में गए होंगे तो मैं 12th में थी। तो उस टाइम जब ये अंडमान गए थे ना, तो उस टाइम जो स्कूल टाइम वाला मेरा फ्रेंड था ना, वो हमको फिर से मिला था जब हम जाते थे अपने कॉलेज, ट्यूशन से पढ़ के निकले, और ट्यूशन से और कॉलेज तक का डिस्टेंस होगा मेरे, पैदल अगर चलेंगे आराम आराम से तो 3 से 4 मिनट का, वही रास्ते में हमको दिख गया। तो जब वो दिख गया ना तो मेरा मन डोल गया, और फिर आपको मन नहीं दिमाग हिल गया, तो डोल गया, उसको हिलना बोलते हैं, माथा। तो वो उस टाइम हुआ था, और अभी क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि वही जो था ना लड़का, उसी का मैं रील देख रही थी, सच्ची सच्ची घटना है, उसका रील मुझे एकदम से दिख गया। रैंडमली मैं स्क्रॉल कर रही थी तो उसका रील दिख गया, और उसका रील दिख गया ना तो यार वो कितना हैंडसम लग रहा है पता है आपको, और इतना हैंडसम लग रहा है ना कि मुझे मन कर रहा है कि उससे जाके बातचीत करूँ। मैं उसको एक ना DM भी कर दी हूँ हाय का, पता नहीं वो मुझे देख के मतलब पहचान पाएगा कि नहीं, वही मैं सोच रही हूँ। वो कौन भूलेगा, वो सब याद रखेगा, हम नहीं भूल पा रहे तो आप कैसे भूलिएगा हमको। क्या हुआ? कुछ नहीं, बोलिए। कुछ नहीं, जाइए जाइए। पक्का मैसेज का रिप्लाई आएगा तब चल जाएंगे, और नहीं आएगा तब तो अपना घर है। मतलब अपना घर नहीं, मतलब आप तो है। आपको लगता है ना कि आप मार नहीं खा सकते हैं, ये गलत फहमी है आपका, समझे?
पापा को बोल दूंगा कि क्या बोलिएगा, देखिए आपकी बेटी ऐसे बात बोल रही है हमसे, तो हम मजाक कर रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है। नहीं, तो हम भी बोलेंगे हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन आपकी बेटी बहुत हमसे मजाक करती है ये सब बोल बोल के, आप समझाइए जरा। अच्छा आप लोग बताइए, ये जब वीडियो बनाते हैं प्रैंक तो कैसा कैसा, मतलब कितना गंदा गंदा वीडियो बनाते हैं? गंदा गंदा वीडियो बनाते हैं, बाप रे बाप। भाभी जी आइए ना, एक लाख मार भी दिए, चलिए प्रणाम कीजिए, औरत लोगों को पैसे नहीं मारते हैं, प्रणाम कीजिए, चलिए हटिए ऐसे ही टच करके प्रणाम कीजिए। पहला हमको प्रणाम, आप लोग बताइए कि लेडीज लोगों को पैसे मारना चाहिए घर की लक्ष्मी को, चलिए प्रणाम कीजिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं ये, इनको समझाइए आप लोग कि मुझे इसी पैर से धक्का दिए। लेडीज लोग को पैर से नहीं मारना चाहिए, चाहे जेंट्स लोग को आप पूरा, हाँ तो लेडीज लोग लक्ष्मी होती है, जेंट्स लोग तो, अब जेंट्स लोग क्या होता है राक्षस। हाँ चलिए हाथ पे टच करके आप प्रणाम कीजिए, लीजिए देखिए, देखिए इनका ईगो। ईगो देखिए, अब वो तार से मारेंगे अब हमको, इसी लपेट रहे हैं, कहाँ जाना है, कहाँ जाता नहीं जी, ए जी कहाँ जाता नहीं, देख रहे हैं इनको, आज आपको खाना ना हम देंगे नहीं, चाहे आज कुछ भी हो जाए, आज लाइव सेशन में ये हमको, हम इनको बोले कि मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, इग्नोर कर रहे हैं हमको, इग्नोर, किसको जवाब ही दिए, जब हम बोले ना, ये हम क्या बोलते हैं, ये बोल रहे थे कि तुम्हारा हाथ तुम जानो, वही हम बोले जब ना पेट में चूहा कूदेगा ना, तब हम भी बोलेंगे आपका पेट आप जानिए, दबा दिए ना, उसके बाद लेके हाथ में दबा रहे थे, ये वाला हाथ नहीं दर्द दे रहा था, ये वाला दबा दिए ना, वो नहीं, ये वाला दर्द दे रहा था, देखे खाना नहीं मिलेगा इसी के डर से। सुनिए ना, हम खा सकते हैं खुद भी, समझे, जाइए एक काम कीजिए, रोटी बनाना है अभी नहीं, कल नहीं, नहीं रोटी बनाना है, जाइए आटा सानिए, रोटी बनाइए, और दूध को मेरे लिए और दूध को मेरी बेटी के लिए बना दीजिए, काल से कहा है आधे से नू कहा है, आप मेरा छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए ना, हम अपना कर लेंगे, छुड़ा सकते हैं हाथ, हाँ छुड़ा दिखाइए जरा, हाँ यार इतना जोर से करते हैं ना कि छूटता ही नहीं है, मेरा हाथ ही हम ही को चोट लग जाएगा, दम है ना शरीर में, खाली बस उड़ते रहते हैं हवा में, वो तो कहिए कि इतना कह रहे हैं कि मतलब वो क्या बोलते हैं उसको जी, मतलब अच्छा पति मिला है आपको कि कभी आपका जो नुकसान नहीं होने देते हैं शरीर में, नहीं तो एक फाइट में तो आप पति से झाड़ देंगे, समझे, सही में इनका हाथ ना, मतलब खुदा हथौरा, इनका हाथ इतना सख्त है कि मतलब ये ऐसे पकड़ लेना तो वो छुड़ा नहीं सकते हैं, हम क्या कोई भी नहीं छुड़ा पाएगा, कोई नहीं छुड़ा सकता, चैलेंज मत दीजिए, बहुत बहुत जोर से एकदम ऐसे पकड़ते हैं ना, बाप रे, लगता है कि ना मतलब कितना, मतलब कोई औजार से कोई पकड़ लिया है ऐसा लगता है, यार ये तो गजब पीछे पड़ा हुआ है ये इंसान, अरे तो आपको खाली वीडियो बनाना है तो वीडियो बनाने के लिए है ना ये वाला लीजिए, क्यों ये वाला मोबाइल और वो वाला मोबाइल में क्या है, अंदर क्या है, अगर वो 70 का है तो ये 1.5 लाख क्यों लिया है, किस लिए लिया है, अरे तो आप क्या करते हैं, नहीं नहीं किस लिए लिया है ये बताइए, अच्छा ये बताइए, इतना अच्छा फोन घर में आप इधर उधर बेकार रखते हैं, इससे अच्छा उसको यूज करेंगे तो उसका पैसा वसूल होगा ना, पैसा वसूल हो रहा है, चलिए ठीक, मतलब मैं लाइव में भी बोली और अभी भी बोल रही हूँ कि जब इनके पास ठीक है मेरा अपना फोन, ठीक है मेरा छोड़िए, तो एक बार भी मुझे नहीं बोले कि सुनो ना हम आईफोन यूज कर रहे हैं, तुम ले लो मेरा आईफोन, तुम यूज करो, कितना बार बोले आपको, समझे, पगलाइए, बोलने से और देने में अंतर होता है, आपको चोट नहीं लगा होगा, मेरा हाथ नाजुक है, फूलों वाला नहीं लगता, मेरे हाथ से चोट नहीं लगता है, तनो मेरे हाथ से चोट लगता है बेटा, ये बोलेगी क्या पूछ दी मम्मी।
एक्सपीरियंस हो गया है अब तो, अब उतना दर्द नहीं होता। बता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता मम्मा को प्यार करने की मारने है। जब मासी करती है तो मार खाती है, जब मासी नहीं करती तो मन करता है बस प्यार ही करता। मैं क्वेश्चन पूछूं? नहीं क्वेश्चन नहीं पूछूं। नहीं अच्छा पूछूं, आपने कभी भी वर्ड AI सुना है? हाँ AI क्या AI? आपने वर्ड सुना है कभी भी AI? तो मुझे जाना पसंद लग रहा है। हाँ सुनी हूँ। इसका फुल फॉर्म क्या है AI? मुझे खाते कैसा होता है दिखा दो। पता नहीं ये AI कौन सा AI बोल रही है, तो जल्दी लेकिन दिखाओ, इतना वेट नहीं करेगा कोई। AI हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी? ये AI, AI क्या है बताइए जी, AI क्या है? फुल फॉर्म नहीं बताना है? नहीं बताएंगे, अब बताइए क्या है AI? AI इधर देखिए बोलिएगा। AI आजकल हर चीज में आता है, जितने भी एंड्रॉइड फोन का कैमरा है ना, जैसे आपको वन प्लस है या जो भी है, उसमें AI जो है उसमें इनबिल्ट होता है। AI क्या करता है, मतलब एक फुल फॉर्म रोबोटिक टाइप है। हाँ रोबोटिक टाइप है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? माइंड, जो कि हम लोगों के पास इंटेलिजेंस है ना, देखा था तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तो एक होता है कृत्रिम, मतलब ये प्राकृतिक इंटेलिजेंस है हमारा। एक होता है आर्टिफिशियल, मतलब बनाया गया है उसको इंटेलिजेंट। तो वो जो बनाया गया है ना इंटेलिजेंट, वो क्या करता है, अगर कोई फोटो तुम्हारा हम लेंगे ना, तो वो क्या देखेगा कि अरे इसके चेहरे पे काला धब्बा है, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, तो वो क्या करेगा अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसको सुंदर कर देता है। ओ इसीलिए एंड्रॉइड फोन से जब फोटो लेते हैं तो बहुत सुंदर आता है, और ये आईफोन लेते हैं तो सब जगह दाग धब्बा दिखता है। इसमें कैमरा में AI नहीं है ना, इसमें नहीं, फिर भी देख के मैं अच्छी दिख रही हूँ ना। तो यही AI है जो कि आज के डेट में पूरे वर्ल्ड पे AI छाया हुआ है हर जगह, समझे। आजकल टीवी एंकरिंग, आप न्यूज चैनल आज तक वगैरह पे देखिएगा, वेदर अपडेट्स वगैरह जो दिखाते हैं वो AI होती है। वो जो लड़की खड़ी होगी जो पूरा वेदर का अपडेट बताती है ना, वो कोई लड़की नहीं होती है, वो कंप्यूटर होती है, AI. वो AI है। धन्यवाद बालक इतना कुछ बताने के लिए, मतलब आप लोगों को तो पता होगा लेकिन मुझे जो पता नहीं था तो ये बहुत ज्ञान दे दी। रील तो कहां से पता चली, थोड़ा न्यूज व्यूज देखा कीजिए, थोड़ा सा ज्ञान की गंगा में डूबी है। रील में खाली मटक 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 करना थोड़ी हो गया। ये आपकी बेटी को तो मारेंगे ना, एक लपट रहा अभी ऐसे करके। लिपस्टिक में लिपस्टिक लगाई हूँ। हाँ तो हमेशा लगाती हो इसमें बस। हाँ तो लगाना चाहिए, लेडीज लोगों को सुंदर बन के रहना चाहिए, वरना उसका पति बाहर ढूंढना पड़ेगा। घर की वाइफ अगर सुंदर ना दिखे ना तो पति बाहर ढूंढेगा सुंदर सुंदर लड़कियों को। आप तो सुंदर ही, पापा क्या ढूंढेंगे? चटका चटका देखो चटका। इसीलिए सभी भारतीय नारी, भारतीय क्या कहीं की भी हो, थोड़ा सा घर में बंद ठंड के सुंदर बन के रहिए कि पति को मौका ना मिले। आजकल खूब अच्छा अच्छा रील देख रहे हैं क्या? वो बाबा का ज्ञान ले रहे हैं नहीं, घर में भंगन बन के रहती। अभी ना 10:30 बज रहा है, अभी हम लोग डिनर किए नहीं है, तो चलते हैं जल्दी से, रोटी बनाती हूँ मैं। गिर जाओगी तुम, तुम्हारे ऊपर छोड़ो, हड्डी टूट जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।